गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सुलेखा आईडीआई। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था जो डिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड थे, आज उन्हीं टर्म्स के फॉर्मूला से हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, इंडक्शन फॉर्मूला का न्यूमेरिकल है, तो उस टर्म्स में हमने जो भी फार्मूला ड्राइव किए थे उन्हीं फार्मूलों को लेकर आज हम इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंडक्शन मोटर न्यूमेरिकल। जैसा कि हम बोर्ड पर देख रहे हैं, ये हमारा इंडक्शन मोटर से रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं आप लोग, इसको आप सब अपने नोटबुक पे राइट हैं। जैसे क्वेश्चन में है, यदि एक 400 वोल्ट थ्री फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की पूर्ण लोड पर घूर्णीय गति 720 आरपीएम हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इससे हमें फाइंड आउट करना है, नंबर वन है तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनियस स्पीड, नंबर टू है प्रतिशत स्लिप लोड पर यानी परसेंटेज स्लिप ऑन लोड, नंबर थ्री है स्लिप स्टार्टिंग के समय यानी परसेंटेज स्लिप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, और नंबर फोर है रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नंबर वन हमारा जैसे है तुल्यकालिक गति, चलिए तुल्यकालिक गति को फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिंक्रोनियस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति, जिसे हम NS से इंडिकेट करते हैं, वो निकालना था। तो क्वेश्चन में हमारा यहाँ दिया गया वोल्टेज जो है वो 400 वोल्ट है, पोल जो दिया गया है वो 8 पोल का मोटर है, फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है और N का जो वैल्यू है वो हमारा लोड पे 720 RPM है। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब नंबर वन जो हमें NS निकालना है यानी सिंक्रोनियस स्पीड, उसका फार्मूला है 120 इंटू एफ बाई पी। तो इस फार्मूला में फ्रीक्वेंसी और पोल के वैल्यू को जब हम लोग रखते हैं तो हमारा निकल के NS का वैल्यू आता है 750 RPM, यानी इस मोटर का सिंक्रोनियस स्पीड जो है वो है 750 RPM। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला का आंसर निकाला, सिंक्रोनियस स्पीड हमारा कितना आया 750 RPM। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है वो हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज स्लिप हमें निकालना है, तो चलिए उसको भी निकालते हैं। नंबर सेकंड जो हमारा था वो था हमारा परसेंटेज स्लिप, जिसको हम लोग एस परसेंट से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज एस इक्वल टू जो आया हो उसका परसेंटेज माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस इंटू 100, क्योंकि ये जो भी आएगा ये परसेंटेज में आएगा। तो NS का वैल्यू हमने इससे पहले ही निकाला, सिंक्रोनियस स्पीड जो हमारा निकला 750 RPM और NR का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में 720 RPM। तो इन वैल्यूज़ को जब हम इस फार्मूला में रखते हैं तो हमारा 4% आता है परसेंटेज स्लिप लोड पर। तो इस तरह से नंबर टू भी हमने फाइंड आउट किया, इसका आंसर आया हमारा कितना 4%। इसके बाद जो नंबर थ्री है इस क्वेश्चन को, चलिए उससे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं वो कितना आता है। नेक्स्ट जो हमारा था नंबर थ्री, यानी कि स्टार्टिंग के समय हमें परसेंटेज स्लिप निकालना था। तो हम जैसे जानते हैं कि स्टार्टिंग के समय रोटर का जो स्पीड रहता है वो तो ज़ीरो होता है, इसलिए यहाँ पे NR का जो वैल्यू है यानी घूर्णीय गति रोटर की, वो उस वक्त स्टार्टिंग के समय शून्य होगी। इसलिए इस फॉर्मूला में NS माइनस NR जो है डिवाइडेड बाय NS इंटू 100, उस पर हमने NR के जगह पे यहाँ पे जीरो को पुट किया है। तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग के समय जो परसेंटेज स्लिप होता है वो आता है हमारा 100%। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर थर्ड को भी सॉल्व किया। पिछले क्लास में जो हमने इंडक्शन मोटर में पढ़ा था वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जो भी फार्मूले हमने ड्राइव किए थे।
टर्म्स रिलेटेड टू इंडक्शन मोटर चैप्टर के समय उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके आज हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं इंडक्शन मोटर के। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा है वो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो चलिए उसको भी निकालते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी को। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट जो हमें पॉइंट आउट करना था इस न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम से वो था हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्शन मोटर के क्लास में जो टर्म्स जो थे हमने निकाला था उस क्लास में हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एस इंटू एफ होता है, यानी एस जो है हमारे यहाँ पे अंशीय स्लिप है, ठीक है, और एफ जो है हमारा यहाँ पे वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो इस क्वेश्चन में हमारा एस का वैल्यू 4% निकला था, ठीक है, एस परसेंटेज हमने निकाला था और 4% फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज दिया हुआ था। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो परसेंटेज का वैल्यू यानी 100 से डिवाइड होगा, तो सॉल्व करने के बाद हमारा 2 हर्ट्ज आया आंसर, यानी इस मोटर के रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा 2 हर्ट्ज है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा ही एक प्रॉब्लम मैं लेकर के आऊँगा जो अल्टरनेटर से रिलेटेड रहेगा, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि इसमें मोटर है और वो हमारा अल्टरनेटर होगा, ठीक है। तो आप सब स्टूडेंट्स इसको घर पे पढ़िए, रिवीजन कीजिए, समझिए अच्छे से। इस लॉकडाउन के दौर पे आप सब घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।